अब वो जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के साथ हुए साक्षात्कार में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर साफ कर दिया कि बिहार चुनावों में एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं है। एलजेपी बिहार चुनाव में एनडीए का हिस्सा नहीं है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि बिहार के विधानसभा चुनावों में बीजेपी, जेडीयू, एचएएम और वीआईपी पार्टी ही एनडीए का हिस्सा है। बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी, ये चार दल इकट्ठा होकर श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। वहीं खुद को मोदी जी का हनुमान बताने वाले बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी की तस्वीर तो विपक्ष के मन में भी है। कंफ्यूजन फैलाने के लिए बयान नहीं, ऐसा तो कई ऑपोजिशन वालों के मन में है। इट डजंट मीन कि वो भारतीय जनता पार्टी में है। आपको बता दें, इस बार बिहार विधानसभा चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर नाराज एलजेपी अकेले ही चुनावी मैदान में है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 5 साल के काम पर सवाल उठाया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में लिखा, कोई भी विधायक, मंत्री या खुद आदरणीय नीतीश कुमार जी वोट मांगने आए तो पूछिए कि पिछले 5 साल में क्या किया है। नीतीश कुमार जी से पूछिए कि 7 निश्चय में कौन कौन से वादे पूरे किए गए। चिराग पासवान के इस ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले उन्हें नीतीश जी के काम अच्छे लगते थे, मगर आज नहीं लग रहे हैं। आज अगर वो ये बात उठा रहे हैं तो 1 साल पहले तक तो वो तारीफ के पुल बांध रहे थे, आज उनको कैसे खामी नजर आ गई है। इस ट्वीट पर जेडीयू नेता निहोरा प्रसाद यादव ने जवाब देते हुए कहा कि आज 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं। नीतीश कुमार जी के 5 वर्षों के काम काज का हिसाब चिराग मांग रहे हैं, तो गांव में जाकर देखें, जो 15 में 7 निश्चय तय हुआ था वो निश्चय में कितना काम हुआ। बिहार में पहले चरण का मतदान अब ज्यादा दूर नहीं रह गया है। ऐसे में सभी पार्टियों के नेता अपने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज बीजेपी के कई दिग्गज नेता अपनी पार्टी के लिए बिहार के अलग अलग इलाकों में रैलियां और जनसभाएं करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिहार में 3 सभाएं करेंगे, जिसके लिए सुबह 9 बजे लखनऊ से बिहार के लिए उड़ान भरेंगे। सीएम योगी कैमूर में 12 बजे और अरवल में 2 बजे एक जनसभा करेंगे, जबकि करीब 3 बजे वो रोहतास के विक्रमगंज में रैली को संबोधित करेंगे। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार में 2 रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पहले बक्सर में और फिर आरा में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। 23 अक्टूबर से पीएम मोदी भी बिहार में रैलियों की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएम मोदी इस बार 12 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बिहार में होने वाले चुनावों के दौरान नक्सली बड़े नेताओं को अपना निशाना बना सकते हैं। जी न्यूज को मिली जानकारी से पता चला है कि इस बार के चुनावों में नक्सली बड़े नेताओं पर हमला कर सकते हैं। इसके लिए नक्सलियों ने पूरी तैयारी कर ली है। रिपोर्ट में बताया गया है, नक्सली बड़े नेताओं को अपना निशाना बना सकते हैं। यही नहीं, नक्सली आईईडी और लैंडमाइन के जरिए सुरक्षा बलों, पैरामिलिट्री फोर्सेस और शहरी इलाकों को भी निशाना बना सकते हैं। खुफिया एजेंसियों को ये जानकारी मिली है कि बिहार झारखंड की सीमा पर बड़ी नक्सली मूवमेंट देखी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को जमुई, गया और औरंगाबाद जैसे इलाकों पर खास नजर रखने की सलाह दी गई है। बिहार में पहले चरण के मतदान को अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। ऐसे में कई बड़े नेता राज्य में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। पीएम मोदी भी 23 अक्टूबर से बिहार में चुनावी रैलियां शुरू कर रहे हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।